बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान का सूबा पंजाब, सूबा पंजाब का एक ज़िला टोबा टैक्सिंग और ज़िला टोबा टैक्सिंग की एक तहसील गोजरा, और तहसील गोजरा से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर कैनाल रेस्ट हाउस मौजूद है। आज हम आपको कैनाल रेस्ट हाउस की मरकज़ी इमारत के अलावा जो यहाँ पर दूसरी इमारतें बनी हुई हैं, आज हम आपको उनका विज़िट करवाएँगे। जब हम इस इमारत के करीब आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल बरगद का पेड़ आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अंग्रेज़ों के दौर का लगाया गया ये दरख्त आज भी वैसे का वैसा हरा भरा। अब हम इस इमारत के करीब चलते हैं। ये इमारत देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है और इसके इस तरफ भी ये पुरानी इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी पुरानी इमारतें हैं जिनकी गिनती भी मुमकिन नहीं। इस वाली इमारत में अब भी कोई दफ्तर मौजूद है। चलिए अब हम इसको करीब से चलकर देखते हैं, उसी दौर के बने हुए। ये देखिए कितनी प्यारे अंदाज में इनको बनाया गया था, राउंड शेप में बने हुए डॉटेड आर्चें, और यहाँ पर बहुत से प्यारे प्यारे पौधे भी लगाए गए हैं। और इस तरफ ये देखें, ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसी दौर का बना हुआ, अंग्रेज़ों के दौर का लकड़ी का बॉक्स, इसमें फाइलें वगैरह रखी जाती थी। और इस तरफ इसके ये तीन गेट हैं, एक ये वाला गेट है और ये एक छोटी सी खिड़की यहाँ पर, और ये इसका मरकज़ी गेट। और इस तरफ देखें, ये इसका तीसरा गेट और ये इसका बरामदा है। और इसकी छत देखें, ये देखें उसी दौर की बनी हुई छत, उस दौर का लेंटर, बीच बीच में लोहे की पतरियां लगाई गई हैं मोटी मोटी मज़बूत, और ऊपर ईंटों को डॉटेड शक्ल में लगाकर लेंटर तैयार किया जाता था। आज भी वैसे का वैसा मज़बूत और पायदार। ये देखें इस तरफ का मंज़र कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये बरामदे से हम बाहर का मंज़र देखते हैं, और यहाँ पर ये पेड़ देखें आप, बरामदे के गेट में से बरगद के पेड़ का मंज़र कितना खूबसूरत और दिल लुभावने वाला। ये देखें आपको पीछे सूरज भी नज़र आ रहा होगा, सूरज अब बस चंद ही लम्हों में ग़ुरूब होने को है। इसके साथ साथ ये बहुत प्यारा बगीचा भी लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ये देखें फूल, इनकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। और ये सुखचैन का एक पेड़, और इस तरह से ये देखें, ये ईंटों के कोने निकाल निकाल कर इन इमारतों की डिज़ाइनिंग की जाती थी। और ये इसका मैं आपको बाहर का मंज़र दिखाता हूँ, ये इसका पीछे का मंज़र है। इस तरफ ये भी काफ़ी, इस तरफ ये फसलें वगैरह लगाई गई हैं, और ये इस इमारत का पीछे वाला मंज़र है, इसके ऊपर भी ये पौधे उग चुके हैं। और इस तरफ मैं सामने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखें इस इमारत का पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं। इस इमारत के अंदर कमरों में जब अफसरान वगैरह बैठते हैं तो इन खिड़कियों को खोल दिया जाता है, तो इधर से ठंडी हवा के झोंके अंदर को जाते हैं। ये देखें यहाँ पर कितनी प्यारी बेल ये एक लगी हुई है इसके, ये देखें पीले पीले इसके फूल। और इस तरफ ये अमरूद का एक पेड़, कच्चे कच्चे छोटे छोटे अमरूद, ये देखें। अंग्रेज़ों के दौर में नहरी बंगलों की जो इमारतें होती थीं वो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ बनाई जाती थीं। अब इस नहरी बंगले की ही बात कर लें, ये जिस तरफ भी हम जाते हैं हर तरफ हमें बहुत अच्छा एक ईंटों का सोलंग लगा हुआ नज़र आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से राहदारी बनी हुई होती है। और इस वाली इमारत को हम देखें तो ये भी अपनी मिसाल आप है।
अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई इस इमारत की खूबसूरती हमारी नज़रों के सामने। अंग्रेज़ों के दौर में बनाए गए नहरी बंगले की इस इमारत के साथ ही एक और इमारत जो हमारी नज़रों के सामने। अब इस इमारत का मसरफ क्या रहा होगा ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूती और पायदारी के साथ बनाई गई है। ये नीचे देखिए कांटेदार झाड़ियाँ, हमें इनसे बच के चलना होगा, बहुत ही यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई हैं। इसके राइट साइड पर ये देखें, ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये देखें, ये लगता है टॉयलेट रूम है। इसके अंदर जाते हुए भी डर लग रहा है। ये देखिए इसकी दीवारें बिल्कुल गिरने के करीब हैं। चाहिए तो ये कि इन इमारतों को महफूज रखा जाए और इनकी मरम्मत वगैरह की जाए। अगर इनकी मरम्मत वगैरह की जाएगी तो ये इमारतें बहुत अरसे तक इसी तरह खड़ी रह सकती हैं। चलिए इसके अंदर हम चलते हैं। ये देखें इसकी छत, बहुत ही इसकी हालत जर्जर और ख़स्ता है। ये सामने आतशदान, यहाँ पर आग जलाई जाती थी, और ये इसकी खिड़कियाँ वगैरह, अलमारियाँ वगैरह, ये यहाँ से सब टूट फूट चुकी हैं और यहाँ से दरवाज़े वगैरह निकाल लिए गए हैं। चोर उचक्के और नशेई लोगों का ये काम होता है कि उनको जो भी कारामद चीज़ नज़र आती है वो सब यहाँ से निकाल ले जाते हैं। ये सामने देखें ये रोशनदान, यहाँ से भी इसका चौखटा निकाल लिया गया है, और सामने ये वाली खिड़की, इसका भी जो बंद करने वाला हिस्सा था, लकड़ी के पट वगैरह, वो सब निकाल लिए गए हैं। और इस तरफ ये वाला हिस्सा, यहाँ पर दरवाज़े थे किसी वक्त में, वो भी निकाल लिए गए हैं। और इस तरफ ये एक बरामदा नुमा इमारत है, यहाँ पर भी दराड़ें आ चुकी हैं। अंग्रेज़ों के दौर में बनाए गए नहरी बंगले, ये देखें, पहले इनके अंदर कच्ची ईंटें लगाई जाती थी और फिर बाहर इनके पक्की ईंटों की चुनाई की जाती थी। इस तरह ये इमारतें अपने आप में बिल्कुल ठंडी रहती थीं और गर्मी का यहाँ नामोनिशान भी नहीं होता था। ये इमारतें सर्दी में गर्म महसूस होती थी और गर्मियों में ठंडी महसूस होती थी। ये देखें, ये इसका उसी दौर का बना हुआ आतशदान, सारा ये कमरा, ये भी टूट फूट चुका है। के टॉप फ्लोर से उतर कर मैं नीचे आ चुका हूँ, और ये इसकी ये वाली सीढ़ियाँ, इतनी सी सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे इसके बरामदे वाली छत पे आया हुआ हूँ। और ये देखिए इसकी हालत कितनी खस्ता है, यहाँ पर दराड़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये इस तरफ इसका ये रोशनदान, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निकाल लिए गए हैं, ये वही वाले रोशनदान हैं। अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई इस खूबसूरत इमारत के गिरदा गिर्द बहुत से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें कितने खूबसूरत फूल, और इस तरफ ये देखें येलो कलर के कितने खूबसूरत फूल, ये देखें कितना प्यारा मंज़र है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपका जाने को दिल ही नहीं करेगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।